What is up guys, that's Gaming Scoop और आज का वीडियो हायर ठीक है ऊपर एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर 200 सब्सक्राइबर्स। लाइक तुम लोगों ने 200 सब्सक्राइब कर दिया, अभी जल्दी 1000 भी कर दो, हमें 1000 तक पहुंचना है। सो बहुत सारी रिक्वेस्ट थी लाइक फॉर हायाटे, तो हमने सोचा 200 सब्स पे हम लोग हायाटे ड्रॉप कर देंगे। सो हियर इज़ फॉर यू ऑल हायाटे। सो एट द एंड पहले तो 200 सब्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और तुम लोग 1000 भी पहुँचा देंगे मेरे को पता है एक दिन, तो उसके बाद हम 1000 पे कुछ अच्छा करेंगे और 200 सब्स के लिए स्पेशल वीडियो भी हम जल्दी ड्रॉप करेंगे। एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी हूँ, लाइक वॉइस ओवर्स नहीं कर पा रहा हूँ, बोर्ड चल रहे हैं मेरे 12वीं के 6, तो पे कमेंट में पूछो पेपर कैसे जा रहे हैं बताऊँगा। और तुम लोग 1000 सब्स पहुँचा दो जल्दी प्लीज़, और 200 सब के लिए थैंक यू। और बात करते हैं अभी हायाटे के ऊपर। सो बहुत ही परफेक्ट मार्क्समैन है, सो ये ड्रैगन लेन खेलता है और बेसिकली सो मैं आपको इसके सारे स्किल्स एक्सप्लेन करूँगा एज यूजुअल, और आपको बताऊँगा इसको कैसे प्रॉपरली यूज़ करना है। बाकी मैं अगर बोल रहा हूँ कि अगर तुमको अच्छा डैमेज वाला हीरो खेलना पसंद है तो ये बहुत अच्छा डैमेज हीरो है। इसका लाइक मैं कहूँगा इज़ डिफ़िकल्ट भी नहीं है, ईजी है, बट इसका एज अ फर्स्ट स्किल यूज़ करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि वो एक प्रॉपर एक स्ट्रेट लाइन में वो शुरिकन्स फेंकता है फर्स्ट स्किल। ओके, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझो। फर्स्ट किल वो एक प्रॉपर लाइन में शुरिकन्स को फेंकता है, और जब सामने वाले हीरो तुम्हारे टर्न हो रहे या भाग रहे, तो तुमको थोड़ा डिफिकल्टी होता है कि उनको शुरिकन्स उनके लाइक उनको लगे, समझ रहे हो। तो उसके लिए थोड़ा लाइक डिफिकल्टी है, तुमको ज़रा भाग के एंगल बनाना पड़ता है, लाइक ये मैं फर्स्ट किल मार रहा हूँ बट देखो मेरा वेस्ट हुआ क्योंकि वो साइड भाग रही थी, समझ रहे हो। तो तुमको खाली वो मैनेज करना आना चाहिए कि कैसे तुमको तुम्हारा फर्स्ट किल का शुरिकन प्रॉपरली हीरोज़ को लग रहा है, ठीक है। और अगर वो लगता है प्रॉपरली तो उसका बहुत प्रॉफिट है एज़ यूजुअल। अब पैसिव पे आते हैं उसके। ओके, तो पैसिव की बात करें तो लाइक अगर तुमने जो तुम्हारे शुरिकन्स है वो तुमने लगाए, तो फिर उसके बाद प्लेयर के ऊपर एक ड्रैगन मार्क बनता है। ये यहाँ पे तुम क्रीप के ऊपर देख सकते हो जो ड्रैगन मार्क है। तो मैं अगर कंटिन्यूसली मेरे शुरिकन मार के वो ड्रैगन मार्क को फिलअप कर देता हूँ ना, तो उसके बाद मेरा जो अटैक्स है वो एक्चुअली बाउंस होंगे और दो तीन टारगेट्स को लगेंगे। एज एग्जाम्पल अगर तुमने जिनर खेला, तुमको जिनर के बारे में पता है, अगर नहीं खेला तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा एक और अच्छे से। अगर तुमने खेला है इन केस, तो लाइक जिनर का जो फर्स्ट किल है वो कभी भी देखो एक हीरो को लगता है, दूसरे हीरो को बाउंस होता है वो उसके जो फर्स्ट किल है बॉल्स लाइक फायर बॉल्स। तो एज अगर तुमने इस हीरो का फर्स्ट किल के ड्रैगन जो मार्क आ रहा है अब यहाँ पे इसके ऊपर भी आ रहा है, तो अगर तुमने वो फिलअप कर लिया तो उसके बाद ये शुरिकन भी बाउंस होते, तो लाइक ये तुमको टीम फाइट में बहुत अच्छे से काम आएगा। तो तुम इसको टीम फाइट में यूज़ कर सकते हो, ऐसे अगर तुमने किसी पे भी मार्क करके भर दिया तो फिर वो सारे वहाँ पे टीम फाइट में सबको बाउंस होके लगेंगे और सबको डैमेज पड़ेगा, और ये चांस होगा तुम्हारा लाइक डबल किल या ट्रिपल किल करने का। सो इसको यूज़ करना सीख लो, मतलब बोलता हूँ बहुत मज़ा आएगा फिर तुमको। अब आते हैं हम इसके लाइक अ सेकेंड स्किल पे। तो इसका सेकेंड स्किल यूजुअली एक दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट, जब इसका सेकेंड स्किल जब हम यूज़ करते हैं, तो अगर आजू बाजू कोई एनिमी नहीं है तो वो एक सीधा मूव है, राइट। अब मेरे आजू बाजू यहाँ पे एनिमी है तो वो मूव भी है, और उसके साथ ही साथ उसको एक स्पीड मिलता है, लाइक स्पीड बूस्ट मिलता है और अटैक डैमेज मिलता है। ओके, सो चलो यहाँ पे हम एक हीरो को किल करेंगे। लाइक इसका राइट क्लिक बहुत पावरफुल है एज यूजुअल, मार्क्स मैंने राइट क्लिक पावरफुल होना ही चाहिए, और बहुत ही फास्ट है। चलो मैंने 2 किल कर लिया है। ओके, मैं आगे आपको अल्टी एक्सप्लेन करूँगा जब मैं इसको प्रॉपरली यूज़ करूँगा। सो ठीक है, ओके एक और किल। सो यूजुअली ये हीरोज किल्स करने के लिए बहुत बहुत अच्छा है, बहुत फास्ट हीरो है, बट एट द स्टार्ट, मतलब मैं भी सब स्टार्ट में ये हीरो खेल रहा था तो मुझे बहुत अनोइंग लगता था कि इसका लाइक शुरिकन ऐसा लाइक स्ट्रेट लाइन में जाता है, इसको खेलना कैसे है कुछ समझ ही नहीं आता था। लाइक मेरे को लगता था कि ब्रो ये बहुत अनोइंग है, बट अगर तुम ये हीरो स्टार्ट कर रहे हो तो तुम इस हीरो पर थोड़ा मतलब हैंग ऑन रहो, लाइक प्रैक्टिस करो थोड़ा, क्योंकि ये हीरो बहुत अच्छा है, समझ रहे हो। थोड़ा अनोइंग लगेगा स्टार्ट में, एज मेरे को भी लगता था, मेरे को अभी भी पसंद नहीं है हीरो, क्योंकि इसके स्किल्स लाइक उतने मेरे को जमते नहीं है एज़ माय पर्सपेक्टिव, मैं बस इस टाइप के हीरोज़ नहीं खेलता। बट ये बहुत अच्छा हीरो है अगर तुम देखने जाओ तो, क्योंकि इसका डैमेज बहुत इंसेन है और इसको यूज़ करने के लिए इतने स्किल्स नहीं लगते, बस फर्स्ट स्किल जो है उसको यूज़ करना थोड़ा मुश्किल है बस, बाकी सब ये पूरा अच्छा हीरो है। सो अब मैं अल्टी यूज़ करूँगा, तब तुमको अल्टी प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दूँगा। ओके, ये देखो मेरे वेस्ट हो रहे हैं यहाँ पे शुरिकन्स थोड़े थोड़े। सो एक और एट द नोट पॉइंट ऐड करते हैं। सो मैंने फर्स्ट स्किल एक्सप्लेन किया, सेकंड स्किल एक्सप्लेन किया। सो इसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू मैं बताऊंगा लाइक जो बार से रिलेटेड है। तो बहुत सारे हीरोज़ के अंदर वो बार रहता है जो नीचे इसके लाइक हायाटे के नीचे भी आपको दिख रहा है। सो हायाटे के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बार का, इज़ लाइक जो आप फर्स्ट स्किल इसका यूज़ करते हो, लाइक मैं अभी फर्स्ट स्किल यूज़ करके एक किल करने वाला हूँ यहाँ पे। डन, चलो।
तो फर्स्ट किल जब आप इसका यूज़ करते हैं तो उसका लाइक 20% या 30% बार यूज़ होता है। ओके, ये देखो बार कम हो रहा है, बढ़ रहा है, लाइक 20% या 30% फर्स्ट किल को यूज़ होता है। और मेन जो ये बार है वो सेकेंड स्किल के लिए ऑलमोस्ट 60% यूज़ होता है। अब मैं सेकेंड स्किल का भी यूज़ करूँगा तो आपको तुरंत समझेगा कि सेकेंड स्किल के लिए ऑलमोस्ट 60% तो यूज़ हो जाता है। सो उसके बाद अगर आपके पास बाहर आधा हो चुका है और फिर आप यूज़ कर रहे हो तो आप उसके बाद कोई स्किल्स यूज़ नहीं कर पाओगे हाईटे में। सो नोटेबल पॉइंट है कि अगर आपके पास बाहर आधा है और उसके बाद आपने सेकेंड स्किल यूज़ किया तो बाहर खाली हो जाएगा, फिर कोई स्किल्स नहीं यूज़ कर पाओगे, समझ रहे हो? तो वो उसका ध्यान रखना हमेशा। और ऑलमोस्ट अल्टी के लिए भी इतना बार आपका यूज़ नहीं होगा, अल्टी के लिए 20 या 30% और फर्स्ट स्किल के लिए भी 20-30%, बट जो सेकेंड स्किल है उसके लिए आपका ज़्यादा बार जाता है, तो उसका ध्यान रखना बस, ठीक है? सो ये बार पॉइंट था। अब मैं आपको अल्टी भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो अल्टी का क्या है, देखो मैं बार अगर यूज़ करूँगा तो मेरा तो मैना देखना, ओके चलो नौबत नहीं है यूज़ करने की तो ठीक है। सो अल्टी का मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अल्टी का क्या है, जब एक सर्कल वो क्रिएट करता है अल्टी में फर्स्ट ऑफ ऑल, और सर्कल के बाद वो सर्कल के बीच में जाता है, राइट, डैश करता है सर्कल के बीच में, और उसके बाद जो एरिया है उस एरिया के अंदर जो भी है वो उनको डैमेज प्रोवाइड करता है। ओके, तो ये इसका नॉर्मल अल्टी है और बेसिकली उसका बहुत अच्छा डैमेज है। ओके, यहाँ पे मैंने लिटरली लगातार मैं किल कर रहा हूँ। एज मैं यहाँ पे बोलूँगा एक चीज़ कि यहाँ पे एक्चुअली मेरा ही टीम प्लेयर है हर्षल बॉट, तो वो बहुत अच्छा नंबर खेल रहा है और फर्स्ट टाइम ही खेल रहा है वो वैसे, पर फिर भी बहुत अच्छा खेल रहा है, तो उसकी वजह से लाइक मैं स्टार्ट में भी किल्स कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास उसका सपोर्ट अच्छा है, राइट? तो तुम जब खेल रहे हो तो तुम एक अच्छे सपोर्ट के साथ खेलोगे ना तो तुम्हारे भी स्टार्ट में किल्स मिलेंगे, क्योंकि स्टार्ट में हाईटे का डैमेज उतना इनसेन नहीं है, हाईटे का डैमेज स्टार्ट में ओके है, राइट? तो मेरे पास अच्छा सपोर्ट था इसके लिए मैंने किल्स किया अच्छे खासे, बट अगर मेरे पास सपोर्ट नहीं होता तो हाईटे का डैमेज स्टार्ट में उतना इनसेन नहीं है, इसलिए मेरे को लाइक मैं इतने किल्स नहीं कर पाता। ओके, सो लेट गेम में उसका डैमेज लाइक एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगा तो तुम्हारा खुद भी कर लोगे, बट एट द स्टार्ट तुम्हारे पास सपोर्ट होना ज़रूरी है। बहुत ही प्रो प्लेयर हो तो ठीक है भाई, कुछ ज़रूरत नहीं है तुम्हारे पास। बाकी मेरे हिसाब से एट द स्टार्ट अगर तुम हाईटे खेल लो, एक अच्छा सपोर्ट रखो अपने साथ में कि एक प्लेयर हो तुम्हारे साथ खेलने के लिए जो अच्छा सपोर्ट देता हो, ठीक है? वो इम्पोर्टेंट है। एज मैंने लंबर को ले लिया था मेरे साथ में ताकि गेम प्ले मेरे को अच्छा निकालना था, वीडियो डालना है ना, तो लाइक हम अच्छे प्लेयर है, ये लंबर अच्छा खेल रहा है तो मेरे पास सपोर्ट है अच्छा। अब मैं लेवल 10 हो चुका हूँ, लाइक मेरा डैमेज लेवल अच्छा हो गया है, सो अब मैं खुद ब खुद ट्रैवल कर सकता हूँ, सो आई विल सी, ठीक है? अब तो मैं मिड वगैरह सब जगह आऊँगा, इसलिए मैं स्टार्ट में उसके साथ खेल रहा था। चलो यहाँ पे प्लेयर्स है, अब हम मारेंगे इनको। ओके, मैंने यूज़ किया ये देखो मेरा बार हाफ से भी कम हो गया है, बट इसका एक स्पेशलिटी भी है हाईटे का कि लाइक अगर तू खड़ा भी है ब्रो, अगर तुम खड़े भी हो ना तो भी तुम्हारा बार अपने आप फिलअप होता रहता है, समझ लो, भाग रहे हो, खड़े हो, कुछ भी कर रहे हो, तुम्हारा बार अपने आप फिलअप होता रहता है, सो उसका टेंशन नहीं है, बट वो कम भी होता है एज पर तुम जैसे स्किल्स यूज़ करते हो, राइट? चलो मैं इसको मार लूँगा। नटाले का एक बहुत ब्रोकन पॉइंट है कि अगर नटाले अल्टी यूज़ कर रहे हो और तुम उसके पीछे साइड में चले गए ना तो फिर तुम आराम से उसको मार सकते हो उस टाइम पे। और मेरे पास एज यूजुअल हेल्थ कम है तो तुमको ज़रा डैमेज वाले बंदों से दूर रहना है, दूर से ही खेलो, क्योंकि भागते भागते पीछे भागते भागते भी तुम तुम्हारा स्किल्स यूज़ कर सकते हो और तुम राइट क्लिक यूज़ कर सकते हो, तो पीछे भागते भागते खेलो, अच्छा है। एक और किल, सो एज यूजुअल मैंने 11 किल्स कर लिए है। ओके, तो मेरे पास 11 किल्स है, बहुत इंसेन चल रहा है, ये भी मरेगा, कुछ फ़ायदा नहीं इसका ऐसे जाके। ओके, तो एक पॉइंट याद कर लो कि भागते भागते जब तुम अटैक करने की सोच रहे हो तो तुम फर्स्ट किल यूज़ कर सकते हो भागते भागते, समझ रहे हो? और जो राइट क्लिक है वो करोगे, अगर तुम पीछे भागते भागते अगर तुम ट्राई करोगे राइट क्लिक करना तो हाईटे रुक जाएगा और तुरंत ही रुक मार देंगे, तो वो ट्राई मत करना। मोस्टली भागते भागते लाइक कैफिन ही राइट क्लिक कर सकते हैं मेरे हिसाब से, एज पर मुझे जितना पता है, शायद और कोई करता हो तो कमेंट्स में बता दो, बट मेरे हिसाब से भागते भागते सिर्फ वही कैफिन ही कर सकती है राइट क्लिक, बाकी हाईटे फर्स्ट किल यूज़ कर सकता है भागते भागते। ओके, अगर मैंने बोल दिया कि भागते भागते आप राइट क्लिक कर सकते हो तो सॉरी फॉर अपोलॉजी। चलो ठीक है, एक और किल मिला। ओके चलो, देखो अगर तुम किसी के हाथ नहीं आ रहे हो, तुम दूर से खेलना जानते हो अच्छे से हीरोज़ को, तो तुम ये हीरो अच्छा खेल लोगे क्योंकि इसका दूर का डैमेज बहुत बढ़िया है और उसका फर्स्ट किल लाइक टच कर लो हीरो को। देखो यहाँ पे मेरा फर्स्ट किल फिर से वेस्ट हो गया, बहुत टाइम होता है इसमें, टाइम ऐसा आता है जहाँ पे आपका फर्स्ट किल यूज़ हो वेस्ट हो जाता है। चलो इसका सेकेंड स्किल भी थोड़ा हिट करना लाइक सामने वालों को मुश्किल है, उसके लिए लाइक थोड़ा हार्ड है वो, बाकी इतना कुछ। चलो नंबर का सपोर्ट मुझे बहुत ही बढ़िया मिल रहा है, मैं 12 किल कर चुका हूँ। ओके, एक्चुअली जो मेन पॉइंट है कि मेरे टीम में हम लोग को जो भी हीरो खेलना है हम लोग अच्छे से डिवाइड कर लेते हैं, लाइक मेरे को
सपोर्ट खेल ले, तो उसने सपोर्ट खेला। ऐसे तुम अपने साथ के जो प्लेयर्स या टीममेट्स हैं उनको बताओ कि अब मैं ये हीरो खेल रहा हूँ तो मेरे को इसके लिए ये हीरो ये बंदा चाहिए, लाइक सपोर्ट चाहिए या फिर इसके लिए मुझे मेज चाहिए, वो मांग लो। ओके सो चलो विक्ट्री मिल गई है, मैंने अच्छे से आपको स्किल्स एक्सप्लेन कर दिया है तीनों के तीनों। सो एड एक और एक नोट पॉइंट याद कर लो कि तुम हाई टेक खेल रहे हो तो तुम्हारे पास स्टार्ट में डैमेज उतना इनसेन नहीं है, तो तुम्हारा जो डैमेज है वो बाद में अच्छा रहता है। ओके तो वो एक याद रखना। सो ओके अब देखते हैं एमवीपी वगैरह कुछ आया तो ठीक है, लेट्स सी। हाँ चलो लेजेंडरी है, आई थिंक एमवीपी नहीं मिलेगा। ओके एमवीपी भी है, लेजेंडरी भी है, ओके ये भी है, चलो हायट है। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर हायटे, हायटे के लिए बस इतना ही, उसके बाद आगे एक और वीडियोस आएंगे। और 200 सब्स के लिए प्लीज़ थैंक यू सो मच, 200 सब्स के लिए 1000 भी पहुँचो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, 1000 तक पहुँचना है भाई, जल्दी सब्सक्राइब करो। वेल देन पीस आउट गाइज एंड बाय बाय।